कविता किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे आलू की चिप्स। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो आलू की चिप्स बनाने के लिए यहाँ पे हमने 4 आलू लिया है। आलू को छीलकर हमने पानी में रख दिया है। तो यहाँ पे हमने चिप्स काटने वाली मशीन ले ली है। चलिए हम आपको काट कर दिखाते हैं। इसे हम हल्के हल्के हाथों से इस पर दबाएंगे, ज़्यादा जोर नहीं लगाएंगे। ज़्यादा दबा कर काटेंगे तो मोटा हो जाएगा। हल्के हल्के हाथों से इसे हम काटते जाएंगे। इसमें देखिए इस तरह से, इसी तरह हम सभी चिप्स काट लेंगे। चिप्स को काट कर हम पानी में डालते जाएंगे। तो देखिए सभी चिप्स को हमने काट कर तैयार कर लिया है। अब हम एक और बर्तन में पानी लेंगे और इस पानी में हम सभी चिप्स को डालते जाएंगे। और इसे हम 2 मिनट के लिए पानी में छोड़ देंगे। तो अब 2 मिनट हो चुके हैं, इसे हम पानी में से निकाल लेंगे। देखिए कितना पतला पतला बना है। अब हम एक साफ कपड़ा लेंगे। अब इसके ऊपर हम एक एक करके चिप्स को डालते जाएंगे। तो देखिए चिप्स को हमने कपड़े के ऊपर डाल दिया है। अब इसके ऊपर हम कपड़ा डालकर अच्छी तरह से इसका पानी हम सुखा लेंगे, इस तरह से। तो देखिए इसका पानी हमने सुखा लिया अच्छी तरह से। अब इसे हम एक बर्तन में रख लेंगे। अब इसे हम धूप में 5 मिनट के लिए रख देंगे। आप चाहे तो पंखे के नीचे भी 5 मिनट के लिए रख सकते हैं। तो अब 5 मिनट हो चुके हैं, तो चलिए हम इसे छान लेते हैं। कढ़ाई में तेल हमने अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। अब चलिए हम इसे छान लेते हैं। अब इसमें हम चिप्स डालेंगे। गैस यहाँ पर हम मीडियम कर देंगे। इसे हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। तेल को हम अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। उसके बाद चिप्स डालने के बाद हम गैस मीडियम कर देंगे। अब ये गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, तो इसे अब हम निकाल लेंगे। इसी तरह हम सभी चिप्स को छान लेंगे। तो देखिए सभी चिप्स को हमने फ्राई कर लिया है। देखिए ये कितनी क्रिस्पी बनी है। एक चिप्स हम आपको तोड़कर दिखाते हैं। देखिए अब इसके ऊपर हम डाल देंगे थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर, आधा चम्मच के करीब चाट मसाला और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर। अब इसे हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इसमें ज़्यादा लाल मिर्च का पाउडर ना डालें। तो देखिए इसे हमने अच्छी तरह से मिला लिया है। अब आलू की चिप्स बनकर तैयार है। आप भी अपने घर पर इस तरह से चिप्स बनाकर ज़रूर देखिए और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये आलू चिप्स की रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।